सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूँगा सभी के सभी बढ़िया होंगे। जो भी आपका अपना काम है बिल्कुल मस्त कर रहे होंगे। दोस्तों समय का अभाव है इसलिए आपके बीच ये रेगुलर वीडियो नहीं आ रही, लेकिन जो आपके मुख्य पॉइंट होते हैं उन पर जरूर डिस्कस करते हैं। तो आज का मामला क्या है पूरा मामला देखेंगे भाई। जो साथी पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रयास है जो आपके डाउट है उनको दूर किया जाए। जो आपके मुख्य डाउट आते हैं उन पर डिस्कस जरूर करते हैं। तो जो आपके डाउट है भाई वो बता सकते हैं, हम नेक्स्ट डिस्कशन में आपके डाउट शामिल जरूर करेंगे। तो आज का पूरा मामला क्या है भाई देखेंगे। हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि हमने 4 साल में 13,125 सरकारी नौकरियां दी है। विधानसभा जो आपका सत्र चला हुआ है तो विधानसभा पटल पे ये बात कही गई है भाई। ये बात हरियाणा सरकार ने 4 साल में कही है कि 4 साल में हमने 13,125 नौकरियाँ दी है। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अकेले ये नौकरियाँ देने का काम नहीं किया, साथ में हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भी ये नौकरियां दी है। तो दोनों ने मिलकर भाई 13,125 सरकारी नौकरियां दी है। और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम 69,035 पदों पे सरकारी भर्तियां करने जा रहे हैं। क्या है भाई ये भर्तियां कर पाएंगे? क्योंकि जो युवा सोचता है कि आने वाले समय में तो इलेक्शन भी है, इलेक्शन से पहले इतनी भर्तियाँ कम्प्लीट हो जाएंगी क्या? भैया सोचने वाली बात नहीं है। अगर सरकार की मंशा सही रही तो ये भर्तियाँ भाई 15 दिन में भी कंप्लीट हो सकती है, लेकिन सरकार की मंशा है ही नहीं। सरकार की मंशा है सिर्फ तारीख पे तारीख। 19 दिसंबर वाली जो तारीख है वो काफ़ी अहम है। 19 दिसंबर को अगर आपका मामला शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो अच्छी बात है भाई, ग्रुप सी के पहले पेपर होंगे, उसके बाद ग्रुप डी की लिस्ट लगेगी। वरना ये आनंद फानंद में आपका ग्रुप डी का दिसंबर के लास्ट में प्रोविजनली रिजल्ट दे देंगे, और वो आपका सिर्फ प्रोविजनली आएगा, मैन रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ बच्चे को हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा देंगे भाई, बच्चा खुश होगा, युवा सोचेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। जब तक फाइनल स्टेज पे मामला नहीं पहुंचता तब तक आपकी सरकारी नौकरी हरियाणा में पक्की नहीं है। तो बच्चे को जागना पड़ेगा भाई, हरियाणा सिटी क्वालिफाई नहीं तो सरकार क्वालिफाई नहीं, मन में ये लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि सिटी क्वालिफाई होता तो अच्छी बात होती, ना तो मामला कोर्ट में जाता, कब की भर्तियां हो पाती। लेकिन 19 दिसंबर को भी अगर ग्रुप 56-57 का जो मामला है, कुछ जो आपकी 3 से कम गुना बच्चे बुलाने हैं, अगर वो मामले सोल्व हो जाते हैं तो सारे के सारे बच्चे उसमें पेपरों में बैठेंगे। सभी बच्चों को पेपर में बैठने का मौका मिलना भी चाहिए, बच्चों की ये मांग भी है। तो सरकार से फिर हरियाणा का युवा एक बार अनुरोध करता है कि या तो आप जाग जाइए, वरना 2024 में हम आपको जगा देंगे, आपका भी सीटी क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि आपने भी जनता के सामने जाना है। जो आप दावा कर रहे हैं ना कि हम तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं, तो तीसरी बार ना तो आप हिंदुत्व के नाम पे सरकार में आ सकते हैं। ये हरियाणा है प्रधान, आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपने राजस्थान देखा होगा, आपने हरियाणा के युवा की शक्ति नहीं देखी होगी। ना तो यहाँ पर हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलता है, ना यहाँ पे राशन के नाम पे वोट मिलता है, ना यहाँ पे गरीबी के नाम पे वोट मिलता है। तो यहाँ पे वोट मिलेगा तो सिर्फ सरकारी नौकरी के नाम पे मिलेगा। तो हरियाणा सरकार से अनुरोध करते हैं कि बच्चों की मांग को सुने और ये जो बाकी भर्तियाँ बची हुई हैं इनको जल्दी से जल्दी पूरा करें। क्योंकि हम सरकार का विरोध नहीं करते, हम सरकार की पॉलिसी का विरोध करते हैं। सरकार कोई भी हो तो सरकार अगर दूसरे टर्म में अच्छे से भर्ती करती तो सरकार के खिलाफ इतना नहीं बोलना पड़ता। अगर सरकार अब भी समझ जाती है ये सारे के सारे मामले को हल कर देती है तो सरकार दोबारा भी सत्ता में आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों आपके हाथ में फैसला है, आपने क्या करना है। मैं तो आपसे अनुरोध करूँगा आप पढ़ते रहिए और आप सजग रहिए, होशियार रहिए, आपके साथ क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। तो जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपका डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।